In a historic achievement, India's stock markets have joined the exclusive $5 trillion club, becoming only the fifth market globally to reach that milestone. साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। तार साहब हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुंचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूटअप करेगा। खान साहब ने हमाद अजहर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे, उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तजारत खोल दो और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था। तो उन्होंने कहा चलो चुप करके 1-2 आइटम्स जड़ने मंगवा लो। तो हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। सब एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तार साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। इस मुल्क की बर्बादी का आगाज ज़िया उल हक है, उसने पूरा चेहरा और कम्प्लेक्शन बदल दिया। याद रखना कि इमरान खान साहब ने जो बात कही थी कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कहा था वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके ऊपर तो उन्होंने स्टैंप लगा दी है। अच्छा, इन्होंने कहा हम तो रिस्क नहीं ले सकते, खान बाहर बैठा है, खान ने हमारी धज्जियाँ उड़ा देनी है। उन्हें कहना कि मैंने नहीं की तो कश्मीर को भूल गए आप। तो ये कश्मीर का जो मामला है ना, इसको कोई नहीं भूल सकता। कैन यू जस्टिफाई द हेट्रेड ऑफ हिंदूज जो मुगलों ने यहाँ नहीं किया? औरंगजेब जो कुछ सिखों के साथ करता रहा, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? इनका वजूद अवाम की इनसे नफरत का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत की तरक्की को रोकने के लिए कई बड़ी ताकतें लग गईं, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के स्टॉक मार्केट ने इतिहास रच दिया और $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया। ये सीधे सीधे इशारा है कि नरेंद्र मोदी एज अ PM वापस आ रहे हैं। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार पहली बार $5 ट्रिलियन के पार पहुँचा। BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल पहली बार रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन को पार कर गया। BSE वेबसाइट पर डेटा से पता चलता है जो भारतीय शेयर बाजारों में चल रही रैली को रेखांकित करता है। BSE में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप $5 ट्रिलियन पहुंच गया, जो वर्ष की शुरुआत के बाद से $633 बिलियन से अधिक बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार को इतिहास रचता देख पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि मार्केट की स्टेबिलिटी को देख के पता चलता है कि नरेंद्र मोदी एज अ PM वापस आ रहे हैं। एक तरफ भारत तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत और खराब हो रही है। अब खबर निकल कर ये सामने आई है कि कतर अपना पैसा पाकिस्तान से वापस मांग रहा है। कतर ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन पाकिस्तान ने प्रॉफिट का पैसा तो छोड़िए, कतर से जो पैसा लिया था उसे भी वापस अभी तक नहीं किया। वही कतर दुनिया को इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान में पैसा मत लगाओ, ये पैसा नहीं देते हैं, पैसा खा जाते हैं। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। तार साहब और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद तार साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। तार साहब एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तार साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हमाद बिन जासिम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें, आपने वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। तार साहब ये इसको आप कैसे देखते हैं? जी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी एक जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर और फिर जिस और जो मैं बिलखसूस खासकर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं। ये देखें अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो वो जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब के भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले लें। मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूं शर्म से शर्म आती है मुझे चीमा साहब कि एक दफा तो लूटने वाले वो जो आए उन्होंने किसी घर में खच्चर गदा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर माल लाद के उन्होंने वापस लेके जाना था यहां तक। तो अब आपका क्या ख्याल है, ये जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे लोकल लोगों की गवर्नमेंट आती? आप तो अभी भी कालू नहीं है, आपको तो बनाए आपके तो कॉलोनियल मालिक हैं जिनके एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर मुझे आप 10 मिनट दें, मैं जिसपे मैं बल्कि रिसेंट पढ़ रहा था, आपको तो बनाने वाले फ्यूडल लॉर्ड थे। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के आखिरी साल तक ऑनर्स के बाद लंबा खाता है, मईशतें बुनियादी बात है, इसको समझें। मईशतें न रातों रात आबाद होती हैं न रातों रात बर्बाद होती हैं। अब चलो आगे, ये जो आप कह रहे हो ना कि मौक़िफ़ के सद तक, इससे ज़्यादा लग बेबुनियाद गैर तारीखी और गैर मंतकी मौक़िफ़ मुमकिन नहीं। इस मुल्क की बर्बादी का आगाज़ ज़िया उल हक़ है, उसने पूरा चेहरा और कम्प्लेक्शन बदल दिया। याद रखना, ये आप अगर आप इसको और तरीके से देखें तो भुट्टो के कत्ल की सजा है जो इस मुल्क को मिली, वो लोग इस मुल्क पे थोप दिए गए जिन्होंने इसका कख नहीं रहने दिया अखलाक। अच्छा, तुम कहो जी हथ पोया, हथ वाइबल को पोया जाता है, मजदूर को नहीं। उसकी सारी मकबूलियत के पीछे इनके लिए अवाम की नफरत है, याद रखना। उन्होंने को मिर्च मसाला डाला होगा, आज क्या है, 1 साल हो गया उसको जेल में। और ये जो मैं बात कर रहा हूं आज नहीं तो कल मवर्रख लगेगा। इमरान खान इस खानदान की पैदावार है, इनकी परफॉर्मेंस की। एक नई जनरेशन आई, उन्होंने कहा ये तो खा गए, इन्होंने तो लूट मार का बाजार गर्म किए रखा है। वही आज इस हालत में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की तजीनो आराइश 15 करोड़ मांग रहा है वो किसकी, वो क्या जाती उम्र है कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी। और मैंने कहा है कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी वो होती है जो मौत रोके, बम के नहीं है। लिंकन मर जाते हैं, कैनेडीज मर जाते हैं, ये नफरत है जो इनको समझ नहीं आ रही। दुरुस्त, आपके अगले सवाल का जवाब भी यही है। ठीक, बाकी दोस्तों को टाइम दे देना। चलें, जैसा कि आपने देख ही लिया, इमरान खान ने अकेले पूरे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट यानी पाक फौज जो सही मायने में पाकिस्तान को चलाती है उसकी बैंड बजा दी है, वो भी जेल में बैठे बैठे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपने निजी फायदे के लिए अपना देश तक को नहीं छोड़ते। हाल ही में इमरान खान ने IMF को लेटर लिखा था कि पाकिस्तान को कोई पैसा ना दो क्योंकि पाकिस्तान की फौज पैसा पूरा खा जाती है, मतलब देश जाए बाहर में पहला अपना प्रोपेगेंडा करना है। वैसे पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान अब तक डिफॉल्ट हो जाता, वो तो अमेरिका ने अपने फायदा के लिए बलि का बकरा बनाने के लिए पाकिस्तान को बचा के रखा है, जैसा कि अमेरिका पहले भी कर चुका है। हाल ही में एक खबर निकलकर भी अभी सामने आई थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डा दे दिया है ताकि अमेरिका ईरान और अफगानिस्तान पर नजर रख सके। यही वजह है कि पाकिस्तान को IMF से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और IMF को कौन चलाता है वो पूरी दुनिया जानती है। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।